इस विधानसभा क्षेत्र में पांदान रस्ते का हमने बहुत सारे मांगनी की थी उसमें खड़ीकरण करने के लिए, वो पांदान रस्ते अभी तक बने नहीं। और जो बने उसमें मट्टी और मुरुम के सिर्फ रस्ते बने, उससे बारिश में किसानों को बहुत तकलीफ हो गई। उनको वहाँ फर्टिलाइजर ले जाने के लिए और उनको खेत में जाने के लिए ट्रैक्टर, बैलबंडी और मोटरसाइकिल भी नहीं जा सकती। ऐसी खेतों में जाने का बहुत सारे किसानों को परेशानी हुई। इस करके किसानों के विविध मांग को लेकर आज हमने यहाँ पर सरकार को निवेदन दिया है। सरकार के खिलाफ मोर्चा नहीं है, सरकार के साथ आए हम और सरकार के ध्यानाकर्षण करने के लिए निवेदन दिए, उसके लिए मोर्चा है। रामटेक तीर्थक क्षेत्र का जो काम हम लोगों ने मंजूर किए थे पिछले 5 साल पहले, वो सारा काम वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। 5 साल निकल गए, आमदार साहब ने दूसरा आरा खड़ा मंजूर किया ऐसा बोलते, अभी तक सरकार के ओर से मंजूर नहीं हुआ है। ये झूठी बातें, आश्वासन कब तक चलते रहेंगे? इसी करके आज ये मोर्चा था। मोर्चा का आयोजन हमारे पार्टी की तरफ से था, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और किसान संघर्ष समिति की तरफ से था, साथ में था।